तो आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मौर्य ठाकुर। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, संसद सुरक्षा चूक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। इन दोनों पर इन आरोपियों के साथ मिले होने का शक जाहिर किया जा रहा है। स्पेशल सेल की टीम इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इन पर आरोपियों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की भी बात सामने आ रही है। स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट इन दोनों लोगों से फिलहाल पूछताछ कर रही है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपियों के नाम महेश और कैलाश बताए जा रहे हैं। महेश राजस्थान का रहने वाला है, ये भी भगत सिंह संगठन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आया है, दो और मोहरे इस पूरे कांड में सामने आए हैं और ऐसे में अब जो है लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी मास्टर सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, ये जो दो नए चेहरे, दो नए मोहरे किरदार सामने आए हैं, क्या जानकारी मिल पाई इनके बारे में? देखिए, महेश और लोकेश जो है आपस में चचेरे भाई हैं और ये माना जा रहा है कि जो फोन गायब हुए थे उन फोन को गायब करने के पीछे भी इन दोनों का हाथ है। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही कि जब आरोपी ललित झा 13 दिसंबर को संसद में हंगामा करने के बाद वीडियो बना रहा था और उसके बाद फरार हुआ था, तो उसके बाद वो सीधा राजस्थान गया था जहाँ पर आरोपी महेश ने उसके लिए कमरा बुक करवाया था, वहाँ उस कमरे में छिपने की जगह दी थी। यानी ये एक लॉजिस्टिक सपोर्ट था और यही वजह है कि उससे अब पुलिस की टीमें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही हैं और उसके चचेरे भाई कैलाश को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इन तक पहुँचा जा सके, क्योंकि पुलिस को ये शक है, आशंका है कि इन दोनों ने ही मिलकर ललित झा का सपोर्ट किया था। ललित झा के पास जो मोबाइल फ़ोन थे वो फोन कहाँ गायब हो गए हैं, क्या मिस हो गए हैं, कहीं फेंक दिए गए या जला दिए गए, ये सारी जानकारी इनसे जुटाई जा रही है कि आखिर वो फोन कहाँ गए, किसकी देखरेख में, क्या इन्होंने किसी को सौंप दिए, ये सारी चीज़ें जो है पुलिस को यहाँ पर इसकी जानकारी चाहिए। वहीं पुलिस का कहना है कि इसके इस थ्योरी पर वो अभी यकीन नहीं कर पा रही, लेकिन लगातार उससे इन फोन के संबंध में पूछताछ की जा रही है। और बड़ी खबर यही है कि अभी भी लगातार इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। कई पर्दाफाश होने बाकी है, कई खुलासे होने बाकी है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि संसद सुरक्षा चूक मामले में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी ललित झा से देर रात कई घंटे तक पूछताछ हुई है। दिल्ली पुलिस के दो डीसीपी और एडिशनल सीपी समेत स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर ने ललित से घंटों पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल पा रही है कि आरोपी ललित झा ने स्पेशल सेल के अधिकारियों को अपने प्रदर्शन के पीछे की पूरी कहानी भी बताई है। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, ये साफ हो पाया है कि मास्टरमाइंड ललित ही था और जो कहानी अभी चल रही है इतने दिनों से, क्या वही कहानी थी या इसके पीछे कुछ और मकसद था? देखिए, शुरुआत से ही जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हम लगातार न्यूज एजेंट इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सबसे पहले मास्टरमाइंड कहा जा रहा था कि सागर है। सागर कई बार विशाल उर्फ विक्की के घर गुड़गांव में जा चुका था। उसके बाद मनोरंजन डी, जो दूसरा कैरेक्टर है, वो भी वहां पर जा चुका था। इससे पहले वो फैमिलियर नहीं थे, लेकिन सागर के बाद आया ललित झा। जो ललित झा इस पूरे मास्टरमाइंड में बताया जा रहा था, उसकी ही सारी करतूत है, सारी कहानी उसने बनाई है। अब तीसरा शख्स महेश इसमें एंट्री कर चुका है। महेश ने पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है और महेश उस दिन संसद में 13 दिसंबर को इनके साथ आने वाला था, लेकिन महेश के परिवार ने मना कर दिया था कि वो वहां दिल्ली की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि परिवार को शायद भनक लग गई थी कि ये संसद में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं या हंगामा करने वाले हैं, और इसी वजह से उन्होंने महेश को नहीं जाने दिया। महेश का जो चचेरा भाई कैलाश का इस वक्त नया कैरेक्टर सामने आया है, तो ये लोग भी क्या भगत सिंह संगठन से ही उसी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आरोप जिस तरह से लग रहे हैं और पुलिस की टीमें जैसे जैसे जांच कर रही है तो नए नए किरदार सामने आ रहे हैं और असली मास्टरमाइंड तक पुलिस को पहुंचना है कि क्या किसी ऐसे संगठन से ये ताल्लुक रखते हैं। कई दिन क्यों चुना गया और किसने ये चुना था? देखिए, यही चीज पुलिस को अभी इस सवाल तक पहुंचना है, क्योंकि 13 दिसंबर का ये दिन ही क्यों चुना था, क्योंकि 13 दिसंबर को जिस तरह से आतंकी घटना के लिए बतौर बरसी के रूप में माना जाता है और यहाँ पर लगातार बरसी बनाई जाती है, लेकिन उस दिन ही इन्होंने वहां पर इस तरह की घटना को अंजाम देने की वजह क्यों चुनी, क्योंकि क्या इसके पीछे किसी ऐसे संगठन का हाथ तो नहीं जो इन्हें लगातार फंड कर रहा था और उकसा रहा था कि 13 दिसंबर को ही उन्हें अपनी आवाज वहां पर रखनी है। तो ये पूरी लाइन पर ही पुलिस की टीमें काम कर रही है और इसी वजह से यूपीए एक्ट को लगाया गया है ताकि इनसे लगातार पूछताछ की जा सके और इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है उन तक पहुंचा जा सके। लेकिन दीपक, बिल्कुल दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है, इसी मुद्दे से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। संसद सुरक्षा चूक मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सागर शर्मा ने खास तरह के दो जोड़ी जूते भी खरीदे थे, लखनऊ से दो जोड़ी जूते तैयार करवाए गए थे। आप देखिए कि किस तरीके से जो स्प्रे इन जूतों में लेकर वो संसद के अंदर घुसे थे, ऐसे में सामान छिपाने के लिए जूतों में जगह बन ये जूते बनवाए गए थे। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि जिन जूतों में वो स्प्रे छुपाकर आए थे वो लखनऊ से बनवाए गए थे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही, कहां से जूते बनवाए गए थे?
देखिए मोनिका, जिस तरह से इस घटना से पहले दो बार रेकी की आरोपियों ने, तो उस दौरान उन्होंने ये पाया कि जूते की चेकिंग नहीं हो रही है, इसलिए खास तौर पे जो इसमें एक आरोपी है सागर शर्मा, उसने खास तरह के जो जूते हैं वो लखनऊ में तैयार कराए, जिसमें कि नीचे कैविटी बनवाई, जिसमें कि जो स्मोक कैन है उसे रखा जाए और उसको पहन के ये पार्लियामेंट के अंदर घुसे, जबकि चेकिंग में वो स्मोक कैन नजर ना आए। एक मोनिका खास बात और है, जो स्मोक कैन है उस पर बाकायदा चेतावनी लिखी हुई है कि इससे जान माल को नुकसान हो सकता है, और उस पर बाकायदा उसको यूज करने के तरीके लिखे हुए थे, लेकिन उन सबको दरकिनार करते हुए किस तरह से कानून हाथ में लिया और इस तरह के स्मोक कैन लेके संसद के अंदर ये आरोपी घुसे, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाया और वहां पर जो माननीय सांसद थे उनकी भी जान को खतरा हो सकता था, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन इस कैन के ऊपर लिखे, तो यूएपीए की धारा का यही एक आधार है। और अब सख्ती से पूछताछ की जा रही है, जो आरोपी उसे लखनऊ लेके जाया जाएगा जहां पर ये जूते तैयार हुए थे। बिल्कुल आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है, जिन्होंने जूते बनाए थे क्या उनसे भी पूछताछ होगी? जी देखिए, बिल्कुल उनसे पूछताछ होगी, लेकिन वो जांच का दायरा नहीं है, वो केवल एक चार्जशीट में जो सबूत इकट्ठे करने के लिए कड़िया जोड़ने के लिए पुलिस ने उस दुकानदार तक पुलिस को पहुंचते हैं कि आखिर किस मकसद से जूते तैयार किए गए थे, और सागर जो आरोपी थे उन्होंने जिस तरह से पहले रेकी की संसद भवन की एक बार पहले भी यहाँ पर जूते की चेकिंग नहीं होती, इसलिए उनके दिमाग में आइडिया आया कि जूते में कैविटी बनवाते हैं और उसमें स्मोक कैन लेके अंदर घुसना है। तो बिल्कुल आनंद, देखिए दो जोड़ी जूते बनवाए गए लखनऊ से, खासतौर पर तैयार करवाए गए, और इसलिए तैयार करवाए गए कि जो स्मोक कैन लेकर इन्हें संसद के अंदर जाना था, सागर की तरफ से लखनऊ में ये तैयार करवाए गए। दिल्ली पुलिस लखनऊ भी जाएगी, आनंद क्या जानकारी मिल पा रही, कब तक दिल्ली पुलिस लखनऊ जा सकती है? देखिए दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो लखनऊ पहुंचेगी बहुत जल्द, जो जानकारी मिल रही है, और उस दुकानदार के बयान लेगी, उस दुकानदार से पूरी जानकारी जुटाई जाएगी कि किस तारीख में कितने बजे ये जूते तैयार कराए गए थे और उसके लिए बदले में कितने पैसे दुकानदार को दिए गए थे। इसके अलावा ना केवल लखनऊ, इसके अलावा जहां जहां भी आरोपियों की से जुड़ी जानकारी साझा करने की उम्मीद स्पेशल सेल को लग रही है, वहां तमाम जगहों पर दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचेगी। दो अन्य लोगों को और हिरासत में लिया गया जिनसे पूछताछ की जा रही, जो ललित के साथी हैं। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से जूते बनवाए गए, साफ जाहिर हो रहा है कि काफी दिनों से ये प्लानिंग हो रही थी। देखिए करीबन 8-9 महीने पहले ललित के साथ तमाम लोग जुड़े, उसके बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पेज ज्वाइन करा, उसके बाद बकायदा दो बार संसद की रेकी की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आनंद, आपका हम रुक करेंगे। देखिए दो जोड़ी जूते लखनऊ से बनवाए गए, दिल्ली पुलिस जो है वहां पर जल्द जाएगी, पूछताछ करेगी कहां से जूते बनवाए गए, स्प्रे कैन इन जूतों में जाए, इस तरीके की व्यवस्था जो है जूतों में की गई। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन कनेक्शन भी सामने आया इस पूरे मामले को लेकर। स्मोक कैन पर चीन की भाषा में भी लिखा गया है, यानी कि चीन का कनेक्शन अब यहां पर सामने आया। पहले से ये कहा जा रहा था कि जो स्मोक कैन है वो चाइना से बने हुए हैं और चीनी भाषा का इस्तेमाल स्मोक कैन पे किया गया है, तो चीन कनेक्शन भी यहाँ पर सामने आए, चीन की भाषा में चेतावनी स्मोक कैन पर लिखी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार अलग अलग एंगल इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं। स्मोक कैन पर चीन की भाषा में चेतावनी लिखी गई है, तो चीन कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है। जिस दिन ये स्मोक कैन मिले थे उसी दिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि चाइना में ये बनते हैं और वहां से ये आते हैं। ऐसे में अब देखिए जिस तरीके से सागर शर्मा ने खास तरह के दो जोड़ी जूते भी लखनऊ से बनवाए थे, अब चीनी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आनंद, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि स्मोक कैन पर चीनी भाषा में लिखा गया था, कुछ क्या जानकारी मिल पा रही है, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है? देखिए मोनिका, बकायदा जो स्मोक कैन बरामद करी है दिल्ली पुलिस ने, उस पर चेतावनी लिखी थी कि इससे किसी भी घर में या बंद कमरे में नहीं चलाया जाए, और चलाते समय सावधानी रखें, चश्मा लगाया जाए और दस्ताने पहने जाएं। लेकिन इसे बकायदा संसद के अंदर जब सत्र चल रहा था, इसे ले जाया गया, वहां पर इसे छोड़ा गया, एक माहौल खराब करने की कोशिश की गई, और बिल्कुल इसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए कि इससे जान माल का नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें जो गैस है या जो भी इसमें से निकल रही है चीजें, वो नुकसान पहुंचा सकती है किसी भी इंसान को। तो आप देख सकते हैं सुनोजी साजिश के जरिए स्मोक कैन को अंदर ले जाया गया, और उसमें बकायदा इंस्ट्रक्शन लिखे हुए कि इसे पहन चलाते समय जो है दस्ताने पहनना है, आपको चश्मा लगाना, और किसी भी बंद या अंदर कमरे में इसका उपयोग नहीं करना है। तो देखिए ये बड़ा कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है, और जो थ्योरी यहाँ पर लगातार दी जा रही है आनंद इन आरोपियों की तरफ से कि हम सिर्फ ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, साजिश की एक बड़ी बूँद सामने आ रही है अब। मोनिका, इसीलिए यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं, आईपीसी की कई धाराएं लगाई है, साजिश के लिए 120 बी की धारा लगाई गई है कि आपराधिक साजिश है, और इस पूरे मामले में कड़िया जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो ललित है वो अब दिल्ली पुलिस के कब्जे में है, दिल्ली पुलिस के पास है, क्योंकि वही मास्टरमाइंड था
हालांकि जो मुद्दे अभी तक आरोपियों ने बताए हैं, जिसमें कि मणिपुर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, या किसान आंदोलन की बात की जाए, वो थ्योरी जो है पुलिस को पच नहीं रही है। पुलिस को ये शक है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़े लोग हैं या कोई बड़ी साजिश है, जिसका पर्दाफाश करने के लिए लगातार इस वजह से जांच कर रही है। शुक्रिया आनंद फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा पर्दाफाश यहाँ पर सामने आया है, चीन का कनेक्शन सामने आया है, ये जानकारी मिल पा रही है कि जो स्मोक कैन है उसमें चीनी भाषा में कहीं ना कहीं कुछ लिखा गया है, चेतावनी जारी की गई है कि इसे बंद कमरे में इस्तेमाल न करें, यह हानिकारक हो सकता है। और इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सागर शर्मा ने लखनऊ से एक दुकान में जाकर जूते बनवाए थे, दो जोड़ी जूते बनवाए गए ताकि जो स्प्रे कैन है वो उन जूतों में इजिली आ सके और वो संसद के अंदर जा सके, क्योंकि इससे पहले जानकारी मिल पा रही थी, क्योंकि लगातार उन्होंने संसद की रेकी भी की थी, कहां पर जूते की चेकिंग नहीं होती है, उस बात का उन्हें आशंका पहले से ही थी कि कहां पर चेकिंग नहीं होती, और यही वजह है कि उन्होंने जूतों में स्प्रे कैन अंदर छुपाकर वो संसद गए थे।